हम लोग अच्छा, हम लोग बहुमत की सरकार जैसे बनाए वैसे बहुमत के सारे MLC हमारे आएंगे, उसमें कोई कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं। गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर में मुर्तजा नाम के व्यक्ति ने हमला किया था, अखिलेश कह रहे हैं कि उनके पक्ष को भी सुनना चाहिए, क्या कहेंगे? नहीं, पक्ष को सुनना नहीं, एक आदमी हत्या करने आया, वो गला काट रहा, काटने के लिए उसने उस तरह से उसका पूरा गड़ासा चलाया था, तो उसमें उससे पूछना क्या है? एक हत्यारे से कोई पूछा नहीं जाता, हत्यारे को और आतंकवादियों को सजा दी जाती है, पूछने वाला समय नहीं है। आप इतने बड़ी पीठ पर आते हो, इतना दूर चल के आप नेपाल जाते हो, रिक्शा लेते हो, आते हो और पुलिस वाले को खोजते हो और मारते हो, और उसके अंदर सब जो मासूम भक्त भी घूम रहे हैं, अगर वो अंदर आप पहुंच जाते हैं, पुलिस वाले आपको रोकते नहीं, तो अंदर जाके कितनी हत्याएं करता, कितनों पे चलाता, कितनी माताएं बहनें बच्चे होते। और उसके बाद थोड़े आगे मुख्यमंत्री जी का आवास है, तो ये बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी आतंकवादी घटना है, ये कोई नॉर्मल घटना नहीं है, और इसके तार बहुत दूर तक है। लेकिन अखिलेश तो उसके सपोर्ट में खड़े दिख रहे हैं। देखिए, गलत बात है, अगर ऐसे वक्त में अगर अखिलेश जी को सोचना चाहिए कि वहाँ मुख्यमंत्री जी का आवास है, इतनी बड़ी गोरक्षनाथ बाबा की पीठ है, और वहाँ पर वर्दी में पहे वर्दी धारी पुलिस को जो सुरक्षा कर्मी है उस पर कोई गड़ासे से उसके गले पर पैर को काट रहा है, तो इसमें अगर कोई बोल रहा है तो हमको बहुत ही शॉक लगा कि अखिलेश जी इस तरह की बातों पे कमेंट कैसे कर रहे हैं। ये सुरक्षा की बात है, ये उनको सोचना चाहिए कि अगर उन्हीं का मकान होता तो क्या उस पर भी ऐसे बोलते कि नहीं वो मासूम है, भोला है, वो पागल नहीं है, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए।